माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं चुनाव कराया भी हूं और पार्टी की तरफ से भी चुनाव करा रहा, तो मेरा अनुभव दोनों है। और अभी कपिल सिब्बल साहब चले गए, मैं कुछ बोलता, लेकिन सबसे पहले मैं जो भारत का चुनाव आयोग है और 1952 से जो यहाँ चुनाव हुए हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेसी के या फोर्सेस के लोग लगे इस देश में चुनाव कराया, और पूरी दुनिया में हम कहते हैं कि हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कि सब लोगों को अब नहीं है दुनिया में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे। आज आप देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, कितने देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये हिंदुस्तान वैसे देशों में से है जहां लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी गई, और इसमें चुनाव आयोग की बड़ी भारी भूमिका रही। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी रही, जब भी कभी चैलेंजेज आए, बहुत मजबूती के साथ काम किया। और ये हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस बात को हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है चुने हुए प्रतिनिधि, और जब चुनाव है तो चुनाव आयोग भी। अभी बोल रहे थे कि साहब चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव कैसे होते हैं। अब तक 23 चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, ये जान करके आपको भी आश्चर्य होगा, हम लोगों को तो करना ही होता है। पहले 3 चुनाव आयुक्त 50 से लेकर के 72 तक सिर्फ 3 ही लोग थे, 22 साल में सिर्फ 3, और चुनाव 52, 57, 62, 67। आज अगर आप देखिएगा पिछले 22 साल में तो 13 चुनाव आयुक्त। जरा बता दें कि उस समय के चुनाव आयुक्त को हम क्या कहें, हम लोग उन पर स्पर्शन कास्ट करना चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभाई, लेकिन क्या कोई प्रोसेस था, क्या कोई प्रोसीजर बना हुआ था? शांति बनाए रखें कृपया। लेकिन उन्होंने, सब लोगों ने अपना योगदान दिया, और 22 साल में सिर्फ 3। और अभी पूछ रहे थे सिब्बल साहब कि जीतने का गुर बताइए, संख्या के बारे में बोल रहे थे 2013 का गुर उनको जाना चाहिए। देखें 1952 में इनकी पार्टी 479 सीट पर लड़ी, जीती कितनी, 364। 57 में लड़ी इनकी पार्टी, जीती कितनी, 371। 62 में लड़ी, 361। आप जरा देख लीजिए, उस समय चूंकि आप नीचे जमीन से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास था, और तब जाकर के आपको चुनाव में ये सफलता मिली। तो क्या लोग कहें कि क्या गुड़ था उस समय? आपको सोचना पड़ेगा कि आप आज जहां हैं क्यों हैं। और ठीक कह रहे थे अभी हमारे रामगोपाल बाबू कि बहुत हेलीकॉप्टर लगता है, अभी चुनाव हुआ नहीं इस साल, बहुत पार्टियों के हेलीकॉप्टर को कोई प्रोग्राम लेने वाला नहीं था। हेलीकॉप्टर से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाएगा कि आप कितने जनता से नजदीक हैं, कितना उनके साथ काम कर रहे हैं। इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए कि साहब चुनाव आयोग पर आप लगाते और पदाधिकारियों पर लगाते। हम तो रहे उत्तर प्रदेश में, मुंह मत खुलवाइए, क्या होता था, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अब काफी सुधार हो गया इस समय, और मैं चाहूंगा 2-3 बहुत छोटा सुझाव, जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना। अभी जो ईवीएम है उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार में क्या होता था और उत्तर प्रदेश में क्या होता था, आपके वोट पड़े, हमको कैंसिल करना, सबको भगाया, दूसरा वोट मार दिया। काउंटिंग के समय एक ही वोट की बार बार काउंटिंग कराई जाती थी बिहार में, हमारे नालंदा के लिए 1999 में अलग से 2 लाख बैलेट पेपर सरस्वती प्रेस में छपवा गया, कलकत्ता में काहे के लिए छपवाए थे। काउंटिंग के समय में 25 लगा हुआ एक कैंडिडेट का, ऊपर दूसरा नीचे दूसरा,
ये सारी चीजें थी, किस तरह का चुनाव था। तो बहुत सारा सुधार हुआ है ईवीएम के चलते। और एक बात जरूर है कि ईवीएम में हम लोगों को इस बात को जरूर देखना चाहिए कि अब वीवीपैट आ गया। अब एक बात कह रहे थे कि भाई उसको रखने की बात होती है, कई बार आप नोटा देखते हैं ना, कई बार जो है ईवीएम की प्लेसिंग ठीक से नहीं होती, ऊपर से नीचे रखना है, साइड से रखना है, इस पर गौर करना चाहिए, खर्चे नहीं आएंगे। और हमारा चुनाव में सुधार जो है चल रहा है और इस तरह से हमारा देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और आगे भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।